मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने आपके साथ लास्ट जो है वो व्लॉग शेयर किए थे कि हम जो है वो माता वैष्णो देवी होकर आए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और सब कुछ जो है वो बहुत अच्छा रहा। लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप सबके मन में थे। कुछ मैंने वीडियोस में क्लियर किए हैं, शायद आपने वीडियोस ध्यान से नहीं देखे हैं, लेकिन आज मैं आपको आपके अलग से जो भी आपकी क्वेरीज हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या वहाँ पर आपके लिए फैसिलिटीज़ हैं, क्या नहीं है, कैसे आप जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ यहाँ से जाने से। हमारी जो है वो श्री शक्ति की जाने की ट्रेन की बुकिंग थी, उसके बाद AC 3 टायर की बुकिंग थी जो हमें 1000 रुपीज़ के अराउंड जो है वो पड़ गई थी टिकट जो है। उसके बाद हमने होटल लिया, होटल जो है वो आपको अगर आप बस स्टैंड वहाँ पर जाते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है स्टेशन से, मुश्किल से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर होगा बस स्टैंड जो मेन पॉइंट है, वहाँ पर आपको सारे होटल्स मिल जाते हैं। वहाँ पर आकर आपसे लोग खुद अपने होटल की बात करते हैं, तो वो नेगोशिएबल है, आप उनसे नेगोशिएट करके जो भी आपको होटल, गेस्ट हाउसेस, धर्मशाला, जो भी आपको पसंद आए आप वो ले सकते हो। हमें जो है होटल बहुत अच्छा मिल गया था, वहाँ पे हमने नेगोशिएट किया और वो जो है होटल अच्छा हो गया था। अब बात करते हैं कि हमारा कन्विंस क्या था। सबसे ज़रूरी बात, अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप इस चीज़ को, हमने देखा कि जो कई होटल वाले हैं वो आपको अपने होटल से बाणगंगा, बाणगंगा से वापस होटल, और होटल से स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ भी आप जाना चाहें वो कन्विंस खुद प्रोवाइड करवाते हैं कुछ होटल्स वाले, तो ये जो है आपके चार्जेस वहाँ पर बच सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसा होटल ही लें जो आपको कन्विंस जो है वो दे रहा हो। अब बात करते हैं कि हमने हम जब बाणगंगा नहा धोकर जो है वो पहुंच गए थे कि घोड़े के प्राइस क्या हैं। तो जो है हम लोग पैदल गए थे, घोड़े के जो वो प्राइस हैं वो श्राइन बोर्ड की तरफ से ही फिक्स्ड हैं 650 रुपीज़ अर्धकुमारी तक के। यानी कि अगर आप बाणगंगा से अर्धकुमारी घोड़े पर जाना चाहते हैं तो आपको 650 रुपीज़ चार्ज लगेगा, जो कि फिक्स है, गवर्नमेंट चार्जेस हैं वो आपके फिक्स लगेंगे ही लगेंगे। वहाँ अगर आपसे कोई नेगोशिएट करता है कि नहीं मैं आपको इतने में पहुँचा दूँगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपकी स्लिप बनती है, उस स्लिप से ही आपको मिलते हैं घोड़े जो हैं वो, आपको उस स्लिप से ही मिलेंगे और वो चार्जेस जो हैं वो फिक्स हैं। और बाणगंगा से अगर आप सीधा भवन तक जाना चाहते हैं घोड़े पर, तो उसके चार्जेस हैं 1250 रुपीज़, 1250 रुपये, वो भी फिक्स है, वो आपको अगर कोई नेगोशिएट करता है, जैसे हम ही जो है कहीं मिले थे घोड़े वाले, उन्होंने बोला हम आपको 450 रुपये में ले जाएंगे, लेकिन जब वहाँ पर काउंटर पर जाकर पर्ची कटी तो वो 650 की कटी, कि उसके बाद जो है वो जो लोग हैं वो वहाँ पर मुकर जाते हैं कि नहीं अब तो 650 की पर्ची कटेगी, हम क्या कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर आप अर्धकुमारी तक पहुँच गए घोड़े पर, क्योंकि घोड़ा अर्धकुमारी तक जाता है, उसके बाद आप बैटरी रिक्शा भी ले सकते हैं। इस बीच एक बार मैं बात काट कर कोविड की बात करना चाहूँगी कि जो कोविड टेस्ट है वो हमारा स्टेशन पर हुआ था। जब हम स्टेशन पहुँच गए थे तो तब हमारा कोविड टेस्ट हुआ का रिपोर्ट जो है वो चेक हुई थी, और स्टेशन पर ही चेक होगी। अगर आप नहीं लेकर गए हैं रिपोर्ट तो आपको 1.5-2 घंटे मैक्सिमम लग सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका टेस्ट होगा, फिर हाफ एन आवर या फिर 1 घंटे बाद आपकी रिपोर्ट आएगी, तभी आपको स्टेशन से बाहर निकलने दिया जाएगा। तो वहाँ पर आपको, अगर आप यहीं से ही लेकर जाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है,
और जो रिपोर्ट है वो आपकी अगर 24 आवर्स वाली है तो वो उसके बीच में होनी चाहिए, अदरवाइज जो है आप प्राइवेट लैब से, हमने जो है वो प्राइवेट लैब से ही रिपोर्ट करवाई थी। जो रिपोर्ट के जो चार्जेस हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जो है हमारी 6 रिपोर्ट हुई थी, हम लोग 6 लोग थे तो हमारी 6 रिपोर्ट हुई थी, वो 72 आवर्स वाली रिपोर्ट थी क्योंकि हमने 3-4 दिन पहले जो है वो 2-3 दिन पहले रिपोर्ट करवा ली थी, उसके बाद जो है रिपोर्ट वो वहाँ पर चल सकती है। अगर आप इंस्टेंट वाली करवाते हैं तो वो जो है आपको इस टाइमिंग से करवानी होगी कि जब आप स्टेशन पहुँचे तो वो 24 आवर्स ज़रूरी हों, उसके मिड में ही हो क्योंकि उसके बाद जो है वो नहीं मानी जाती। तो अगर नहीं करवाई है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, वहीं पर स्टेशन पर ही आपकी चेक होगी, आपको वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा अगर आप कोविड रिपोर्ट नहीं लेकर जाते हैं। अब मैं आपको बता रही थी कि अर्धकुमारी से भवन तक की बैटरी रिक्शा चलती है जो कि आपके लिए 354 रुपीस चार्ज लेती है, जो आपको भवन तक पहुंचा देती है। और बैटरी रिक्शा जो है, जो उनकी बैटरी वाली वैन है, उसके चार्जेस 354 हैं और वो 2 घंटे के लिए खुलती है, फिर 2 घंटे के लिए बंद हो जाती है। तो यानी कि जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ 12:30 का टाइम हो रहा था जब हम अर्धकुमारी पहुँचे, तो जो बैटरी कार थी वो खुलनी थी 1:30 बजे, तो 1 घंटा जो है हमने वेट किया है। अगर इस चीज़ का मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका ये सोच है ऑलरेडी कि आपको बैटरी कार से ही आगे जाना है, हाफ ही चल पाओगे, क्योंकि हमारा फिक्स नहीं था इसलिए हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि हमारा था कि हम शायद पैदल चले जाएंगे, पर हमारी टाइमिंग्स जो है वो नहीं सेट हो रही थी, हम लेट हो रहे थे, दर्शन नहीं हो पाते हमारे, इस वजह से जो है हमने जाना बैटरी कार से ही ठीक समझा। तो वहाँ पर हमें 1 घंटे का वेट करना पड़ा, मैक्सिमम 10 मिनट्स लेती है वो आपको ऊपर पहुँचाने के लिए, आप जल्दी वहाँ पर पहुँच जाओगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करवा के जाते हो तो आपको ऐसा कोई भी इशू नहीं होगा, जब भी टिकट्स खुलेंगी तो सबसे पहले ऑनलाइन वालों को टिकट दी जाती हैं क्योंकि बैटरी से चार्ज होती है, वहाँ पर 2 घंटे चार्ज होती है पहले, फिर 2 घंटे चलती है वो, शायद 2 या 3 राउंड्स ही लेते हैं वो ऊपर नीचे आने जाने के, और वो ऊपर नीचे आपको छोड़ देते हैं। जिस टाइम पर नीचे ओपन होती है उसी टाइम पर ही ऊपर ओपन होती है, 1:30 बजे खुलती है, फिर 4 बजे खुलती है, फिर 6 बजे खुलती है, सुबह 10 बजे खुलती है। तो ये टाइमिंग्स रहते हैं बैटरी कार के खुलने की। अगर आप उस टाइमिंग्स पे पहुंचते हैं तो भी आपको आगे लाइन में लगना पड़ेगा, अगर आपका नंबर आता है तो ठीक है, नहीं तो आपका फिर से आपको 2 घंटे और बैठना पड़ेगा आपको अपना दोबारा नंबर लेने के लिए। अब जो है भवन पर किसी का मेरे पास कमेंट आया था कि सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ है, तो आपको जो है वो 1-1.5 किलोमीटर चाहे घोड़े हों या फिर बैटरी कार हो, वो आपको 1-1.5 किलोमीटर पहले ही उतार देती है भवन से, वहाँ तक आपको बाथिंग घाट तक चलकर जाना पड़ता है। इवन दर्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है, जो सीनियर सिटीज़न है जिनसे नहीं चला जाता है उनके लिए बहुत ज़्यादा जो मुश्किल है वो आ सकती है, क्योंकि थोड़ा सा जो चलना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात कि कोई सामान नहीं होता आपके पास चलने के लिए, और जो क्या कहते हैं वहाँ पर चलते हैं जब आप, तो वो थोड़े बहुत सीनियर सिटीजन्स के लिए चलना वहाँ पर, क्योंकि चढ़ाई भी चढ़नी होती है और बीच में आपके लिए उतराई भी है, तो वो सारी चीज़ें उनके लिए मुश्किल हो जाती है। मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो भी, उनको भी चलने में प्रॉब्लम है, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम आई है चलने में, क्योंकि एक तो चला नहीं जाता उनसे, और दूसरी चीज़ सीनियर सिटीजन्स के लिए ये है कि चढ़ाई भी आती है भवन तक, आपको बहुत लंबा जाना पड़ता है, इतनी काफ़ी सारी स्टेयर्स आती हैं, बीच में सीढ़ियाँ आती हैं, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशली, या कोई ऐसे बच्चों के लिए। दूसरी चीज़ कि अगर आपको वहाँ तक जाना है, अब भवन में जो है प्रसाद या फिर और कुछ भी चीज़ें कुछ भी अलाउड नहीं है, आप कुछ भी नहीं ले जा सकते, इवन वो आपका प्रसाद भी वहाँ पर नहीं लेते हैं भवन
आपके अंदर जो मेन गर्भगृह है वहाँ पर जो गुफा है, जो मेन जहाँ पिंडियाँ रखी हुई हैं, वहाँ पर आपका कोई प्रसाद आपसे नहीं लिया जाता है, कोई दुपट्टा, कोई प्रसाद कुछ भी नहीं लिया जाता है, वो आपसे पहले ही रखवा लिया जाता है। और उसके बाद जो है आपको भैरवनाथ के दर्शन करने होते हैं, तो भैरवनाथ के दर्शन के लिए आपको वापस जो है 1.5-2 किलोमीटर चल कर जाना पड़ता है, वो भी सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी परेशानी है कि क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था, मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ सीनियर सिटीजन्स के लिए कि उनके लिए इतना चलना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस होता है। जो भैरवनाथ के लिए रोपवे से जाते हैं उसकी जो टाइमिंग है वो लास्ट टिकट जो है वो 5:15 तक या मैक्स 5:15 ही आप लेकर चलिए, कभी कभी 5:30 हो जाता है अगर थोड़ा रश हो, लाइंस में लगे हो। लास्ट जो है वो टिकट 5:15 तक ही काटी जाती है, उसके बाद जो काउंटर है वो बंद कर दिया जाता है। उसके बाद आपको जो ऑप्शन है आपका वो या तो आप घोड़े से जाइए, वो चार्जेस आपसे उस टाइम जो मांगेंगे वो ही मांगेंगे, वो मजबूरी होगी, नहीं तो आपको 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो रोपवे की 50 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है वन साइड की। अगर आप आना जाना करते हैं तो 100 रुपीज़ में आप रोपवे से 15-20 मिनट्स मैक्सिमम लगते हैं, आप जाकर वापस भी आ सकते हैं, इतना ही टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद वापस आने के टाइम अगर आप घोड़ा लेते हैं ऊपर से ही, तो हो सकता है कि नेगोशिएशन में आपका वो चार्जेस 1000 भी हो जाए वन पर्सन का पूरा नीचे तक बाणगंगा तक, और हो सकता है वो 800 हो जाए, और हो सकता है वो 1250 ही रहे। तो इसलिए आपको जो है नीचे से कभी भी वापस का भी घोड़ा नहीं करना है, ऊपर जाकर ही कीजिए, सब कुछ मिल जाता है ऊपर। और अगर आप भैरवनाथ से ही वापस जाना चाहते हैं, भवन तक नहीं दोबारा आना चाहते, तो वहाँ से भी आपको घोड़े जो है वो मिल जाएंगे, और आप वहाँ से भी वो आपसे जो भी चार्जेस लेंगे आप, मतलब 1000 रुपीज़ हमसे लिए थे पर पर्सन के, दो घोड़े किए थे, 2000 लिए थे, वैसे 1250 चार्जेस हैं। तो उन्होंने उस टाइम खुद ही आकर बोला कि आप घोड़े ले लीजिए, घोड़े वो बहुत आपके आगे पीछे घूमेंगे, तो जहाँ पर आपका फिट बैठता है वो वहाँ उतने में ही आपको ले आते हैं। लेकिन अगर आप नीचे से ही पर्ची कटवाकर वापस की भी जाएंगे तो वो आपको 1250 का ही पड़ेगा, अगर ऊपर से आप करते हैं तो वो आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये थी माता रानी के जाने की हमारी जो भी स्टोरी थी कि क्या लगा, कैसे हुआ, भवन का जो रास्ता है वो भी काफ़ी लंबा है, क्योंकि बहुत सारे जो हैं वो कमेंट्स आए थे इससे रिलेटेड। मैं एक दो कमेंट्स देख लेती हूँ कि शायद कोई इन्फॉर्मेशन रह ना जाए कि ऐसा कुछ कि जो आपको जानना हो और मैं भूल गई हूँ। तो मैंने जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको बताने के लिए कि मैं सब कुछ बता पाऊँ आपको, अगर आप जाना चाहते हैं तो। कोरोना रिपोर्ट आज भी चाहिए आपको, किसी ने कमेंट किया कि आज भी चाहिए, जी हाँ कोरोना आपको चाहिए। और दर्शन जो है वो बहुत अच्छे से हो गए थे, कोई डाउट नहीं है दर्शन में, बहुत अच्छे से आप आराम से 2 मिनट खड़े होकर आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो किसी का कमेंट है कि स्नोफॉल नहीं है वहाँ पर, जो मौसम है वो जो वेदर है वो दिन में तो गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है, लेकिन जब हम ऊपर पहुँचे थे तो 3 बजे का टाइम था, उस टाइम जो है काफ़ी ठंडी हवा लग रही थी, मतलब अगर आप वीडियोस में देखोगे तो मैंने जैकेट जो है वो पहन ली थी, तो इतनी ठंड थी, हल्की फुल्की ठंड थी। तो आपके लिए एक नॉर्मल जैकेट वगैरह तो आपको लेकर ही जानी पड़ेगी। हाँ अभी जो है इन्हीं दिनों में बारिश ज़रूर हुई है वहाँ पर, तो इस चीज़ का अगर आप इन दिनों में जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। सबसे ज़रूरी चीज़, ये क्वेश्चन मुझसे रह गया है जो शैलेश कुमार मिश्रा ने पूछा है, रात को भवन में रुक सकते हैं क्या, क्या व्यवस्था होती है? तो देखिए जी हाँ, आप रात को भवन में रुक सकते हैं, वहाँ पर डोर मैट्री बेड आपको मिल जाते हैं, वो 120 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए थे। पब्लिकली एक प्राइवेट, एक प्राइवेसी होती है, एक प्राइवेट रूम होता है आपका, तो
तो वो आपको मिलना शायद वहाँ पर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पहले से ही बुकिंग उसकी करनी पड़ती है। भवन पर काफ़ी ज़्यादा कई लोग रुकते हैं, रात को भीड़ हो जाती है, तो आपको वहाँ पर व्यवस्था है तो सही रुकने की, अगर आप सही समझते हैं डोरमेट्री बेड लेना एक, तो आप वहाँ पर ले सकते हैं, व्यवस्था तो वहाँ पर है। लेकिन आपको कोई अच्छा रूम या होटल पहले से बुक करना पड़ता है, वो काफ़ी लंबी बुकिंग चलती है, हमें भी वो बुकिंग नहीं मिली थी, इसीलिए हमने उसी दिन ही जाकर उसी दिन वापस आना ही सही समझा। तो फेयर फॉर बैटरी रिक्शा पूछा है किसी ने, वो मैंने आपको बताया 354 रुपीज़, यानी कि 354 रुपीज़ चार्ज करते हैं अर्धकुमारी से भवन तक के, अराउंड 7-8 किलोमीटर्स पड़ जाता है। और अर्धकुमारी पर भी रुकने की जो है वो फैसिलिटी है, अगर आप पहले से ही बुक कर सकते हैं, वहाँ पर भी डोरमेट्री बेड हैं, वो 120 रुपीज़ पर पर्सन सिंगल बेड का चार्ज करते हैं। और कोई होटल भी है, आप वहाँ पर अगर प्री बुकिंग आपकी है तो आप वहाँ जाकर भी रुक सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना का जो अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो आप RT-PCR वाला टेस्ट करवाना ही आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि वहाँ जाकर अगर आप कब करवाते हैं टेस्ट, कब आपको रिपोर्ट आती है, क्योंकि RT-PCR वाला जो टेस्ट है वो काफ़ी लंबा चलता है, 2-3 दिन का टाइम होता है, तो आप अगर जाते हैं तो वो टेस्ट बेस्ट रहेगा। हमने भी वही टेस्ट जो है वो करवाया था, और दिल्ली से ही मैंने जो है वो कोविड टेस्ट करवाया था, सरल जो है यहाँ पर एक बहुत अच्छी लैब है, तो वहीं से ही हमने जो है वो टेस्ट अपने सारों के करवाए थे, तो वो जो रिपोर्ट है वो 1-1.5 दिन में आपको मिल जाती है, और हमें भी जिस दिन हमने जाना था उसी दिन ही हमें रिपोर्ट मिली है, तो वो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। प्रियंका भगत का कमेंट था, आप लड्डू गोपाल जी को क्यों नहीं लेकर गए? तो जी, मैं लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर लेकर जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन में मुझे सही नहीं लगा, और वैसे भी मेरे पास ऑप्शन है बुआ जी के घर पे छोड़कर जाने का, बहुत अच्छे से सेवा उनकी वहाँ पर हो सकती है, और उनका एक पिकनिक भी हो जाता है उनके फ्रेंड के साथ, बुआ जी के घर भी बाल गोपाल है, तो मुझे ऐसे कोई टेंशन नहीं थी, तो मैं इसलिए उन्हें यहीं पर ही बुआ जी को उनकी सेवा देकर चली गई थी। तो ये थी माता रानी के जाने की से संबंधित सारे सवाल जवाब। अगर आप जाना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो मैंने आपको सारा बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें, आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। हरे कृष्णा, राधे राधे।